अवतार का भाई एक अलग, पिछली अवतार भी तुम्हें पता कैसे चली थी, वो तो उसकी 3D टेक्नोलॉजी के उसने कारण थ्री बहुत डी हाँ बहुत थ्री डी का ज्यादा एक चल गई थी वो वो। सेट कर दिया था कि भाई 3D फिल्में ऐसी होती है, ये देख लो। तो वो एक अलग चीज है, और मैं ये मानूंगा कि अवतार 2 का हाइप बनेगा पर रीजंस अलग होंगे, समझ रहे हो कि अच्छा मतलब ये वो रीजन, शज़ाम के रीजन अलग होंगे, इसके रीजन अलग होंगे। हाँ मैं या मेरे जैसे फैन वो शज़ाम देखने जाएंगे शज़ाम के क्योंकि लिए। वही हाँ ना, अभी राइट्स डिज्नी के पास है और अपन को पता ही, जब फॉक्स के पास थे तो उन्होंने कितना बड़ा इवेंट बनाया था इसको, कितनी ज्यादा प्रमोशन किया था। वार्नर ब्रदर्स मेरे को नहीं लगता कि शज़ाम के साथ इतना ज्यादा प्रमोट करेगा। सही कह मेरे रहे को हो, फील हो रहा है कि भाई डिज्नी सही कह कितना रहे हो, पैसा फूकेगा मार्केटिंग पे। हाँ अरे आंख बंद क्योंकि करके। क्योंकि सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर भी अपनी अपनी फ्रेंचाइज का स्केल होता है ना। जैसे अब मार्वल डॉक्टर स्ट्रेंज कितना प्रमोशन कर रहा है, एंटमैन की पिछली पिक्चर उठा के देख लो, सही है ना। तो वो बेसिकली इनका एंटमैन फ्रेंचाइज है डीसी का। प्लस एक चीज मुझे और भी लगती है कि जैसे जो ऑडियंस, एक जनरल ऑडियंस है ना, वो शज़ाम से इतना फेमिलियर नहीं है जितना अवतार से। अवतार से, अवतार का भाई अवतार जब आई थी तो खासकर इंडिया मतलब में, हाँ, अरे घर के बच्चों कितने लोग से लेके कितने फैमिली लोग पूरे लोग हाँ देखने गए। वही कितने लोग सोचते कि यहाँ से नाम उठाया गया, मतलब यहाँ के किसी बंदे ने हाँ अवतार नाम रखा। अवतार अवतार। अच्छा हाँ, मैं बहुत अच्छा, अवतार एक वो अवतार द लास्ट एयर लास्ट बेंडर एयर बेंडर सीरीज सीरीज भी है, बहुत फेमस सीरीज है और बहुत मतलब टॉप, उसको माना जाता है कि बहुत मतलब बहुत ज्यादा। बेस्ट कार्टून की लिस्ट में टॉप पे आता है वो। तो कई बार ऐसा होता है, अभी मून नाइट में भी इस बारे में बोला गया था कि सीरीज या मूवी। हाँ तो इंडिया में जैसे कई बार बात होती है कि इंडिया में नहीं जानते कई सारे लोग कि जब अवतार की बात होती है वो एनिमेटेड सीरीज नहीं बोलते, वो कहते हैं कि भाई अवतार मूवी, अच्छा कब आ रही है हाँ अवतार टू? अबे हाँ भाई अबे शांत हो अबे जा। तुम हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। तो मतलब डिज्नी को ना अवतार कि वो बहुत सॉलिड मार्केटिंग करेंगे, लेकिन उनको करने की जरूरत भी नहीं है। अगर हाँ जितना वार्नर ब्रदर्स शज़ाम की मार्केटिंग करता है उतना ही अगर वो लोग कर लेंगे ना, तो मूवी बहुत चल नहीं वो तो जाएगी। चलेगी। क्रिएटिव मार्केटिंग होनी चाहिए मेरे हिसाब से, कि अगर हाइप है तो क्रिएटिव होनी चाहिए, हाइप नहीं है तो भी क्रिएटिव करो। जैसे एंटमैन का देखा था, पहली एंटमैन मूवी थॉर के हैमर पे हाँ छोटा सा छोटा एंटमैन दिखा कैप्टन रहे थे, अमेरिका की शील्ड पे था। ब्लैक विडो के क्लीवेज पे दिखा रहे थे। हाँ तो क्रिएटिव मार्केटिंग होनी चाहिए, हाँ लोग अपने आप वो मेरे को मतलब बड़ा अच्छा लगा था हाँ वो।